Hello and Assalamu Alaikum. This is Arjumand Yousuf and I have been a former news and program anchor with Business Plus and currently I'm Future TV. I'm working with news and I'm doing a program. It's a web TV. It's a new experience. Today I'm going to give you a few tips about how to become a news anchor. First of all, your fluency is Urdu, your talaffuz is accurate and near to perfect, but it's perfect. So first of all, दूसरी जो चीज़ है which really matters it's like your personality how you carry yourselves it has nothing to do with कि आपका complexion बहुत brighter होना चाहिए आप tall हैं या आप dark हैं या आपकी personality की जो building है आपका inner confidence कि आपने screen पर आकर कैसे अपने आप को excel करना है so ये second tip है जो कि बहुत ज़्यादा matter करती है और पहली tip पर हम दोबारा आएंगे उस पर बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो है हम उसी पर focus करेंगे आपकी जो उर्दू की reading है because मेरे नज़दीक क्या होता है कि जो एंकर होता है वो इनबिल्ट होता है लाइक एंकर्स आर ऑलवेज बॉर्न ऐसे नहीं है कि एनीबडी कैन कम डाउन हाँ अगर आप पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेकर और उसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना जो गोल्स हैं जो टास्क हैं वो अचीव ज़रूर कर सकते हैं दुनिया में जैसे कि हम देखते हैं जब हम छोटे होते हैं अपने पैशन को डिसाइड कर रहे होते हैं तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर या इंजीनियर या फिर वॉन्ट टू गो इन आई टी लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप अपने गोल्स जो हैं उनको आपको सेट करना चाहिए तो एक ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि आप जब अपने एकेडमिक्स में होते हैं आपकी जो रीडिंग कैसी जा रही है और आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली आपने बनना है न्यूज़ एंकर या आपने प्रोग्रामिंग के साइड पर आना है तो आप की जो एकेडमिक्स हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी उसमें तो जैसे कि इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया साइंसेस को लेकर काफ़ी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंसेस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात होती है पढ़ाया जाता है तो अगर आपकी जो डिग्री है वो आपका जो ऑन वर्क है लाइक आपका जो ऑन स्क्रीन काम है उसको बड़ा सपोर्ट करती है तो ये तो हमने बात कर ली पहली और दूसरी चीज़ के बारे में जो तीसरी चीज़ है विच इज़ लाइक मेरे नज़दीक इट्स लाइक मोर इम्पॉर्टेंट इट इज़ योर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आपका बैंग ऑन होना इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल जिनकी उर्दू बहुत एक्सेलेंट होती है जिनका तलफ़ुज़ बहुत आउटस्टैंडिंग होता है जो लिखते बहुत अच्छा है बोलते भी बहुत अच्छा है लेकिन वंस देयर ऑन कैमरा तो वो उस तरह से उसको प्रोपगेट नहीं कर पाते वो डिलीवर नहीं कर पाते एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको हासिल होता है तो उसके बाद आप डेफिनेटली इस फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं सो दीज आर लाइक थ्री टिप्स टू बिकम अ प्रोफेशनल न्यूज़ एंकर और अ प्रोग्राम एंकर क्योंकि जितना आसान ये काम दिख रहा होता है कि लोग समझते हैं कि प्रॉम्प्टर सामने है और देखना और पढ़ना इट्स नॉट दैट ईजी यू नीड टू गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट आपके पास बेतहाशा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ जो है आपके पास नॉलेज भी कॉम्प्लीमेंट्री होना ज़रूरी है और उसके बाद आप एक बहुत अच्छे न्यूज़ और प्रोग्राम एंकर बन के इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं थैंक यू सो वेरी मच अल्लाह हाफ़िज़